सो कैसे हो बच्चों? आई एम ऑडिबल टू यू? प्लीज कंफर्म दैट कि मैं ऑडिबल एंड विजिबल हूँ, एक बार कंफर्म कर दो। राइट, मुझे पता है कि सारे बहुत सारे बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ने मुझे मैसेज किया था। सो बच्चों, आर यू ऑल रेडी? एक बार प्लीज कंफर्म करो, फॉर एम एस सी जी एग्जाम बहुत जल्दी आ गया है ना, बहुत जल्दी पेपर आ गया। लेकिन अच्छा ही है ना, पेपर खत्म हो जाएगा तो चलो एक पेपर का टेंशन खत्म होगा, फिर दूसरा पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा, सीयूईटी की तैयारी। राइट, सो एक बार प्लीज कंफर्म करिए। हेलो प्रियंका, कैसी हो? देखो, पहले आज मैंने सोचा है कि पहले स्टार्ट करें बच्चों जीके से। राइट, मतलब कि पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर मैं कुछ बताऊंगी बाद में। लेकिन सबसे पहले मुझे क्लियर करो कि क्या मैं ऑडिबल एंड विजिबल हूँ? ठीक हूँ, ओके। थोड़ा सेशन को शेयर कर दो प्रियंका, ताकि बच्चे आ जाए ना, ताकि बच्चे आ जाए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आई होप कि आपको विजिबल होगा। थोड़ा सा सोचा कि हिस्ट्री रिविजन करवा देती हूँ, मैं भी अच्छी हूँ, हिस्ट्री रिवीजन करवा देती हूँ। तो आज हिस्ट्री रिवाइज करेंगे हम लोग बच्चों, है ना? आज हिस्ट्री रिवाइज करेंगे। हेलो शुभांगी, हेलो दुर्वेश, कैसे हो? ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बच्चों, सो आपको क्या पता है इसका आंसर? जल्दी से बताओ, जो भी आपको आंसर पता है जल्दी से आप लिखो कि यस मैम, आंसर पता है हमें, और आंसर है ये। मैम 8 PM पर भी क्लास है ना? हाँ, 8 PM पे नहीं, 8:15 पे है दुर्वेश, 8:15 पे है। तो अगर जो भी आ सकते हैं आ जाना। राइट, यहाँ पे खत्म करूंगी, फिर वहां पे स्टार्ट है ना? ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? सो जल्दी से आंसर कर दो बच्चों, क्या होगा आपका आंसर? ओके, एनीवन जो आंसर करेगा। ओके, दुर्वेश ने बी कहा है। शुभांगी, व्हाट इज योर आंसर? प्रियंका, व्हाट इज योर आंसर? कम ऑन, टेल मी कि आंसर क्या है बच्चों। बी, ओके। सो ध्यान से देखना बच्चों, आंसर है सी, इट्स रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बच्चों आपने सभी ने गलत बताया, सी होगा करेक्ट आंसर, रेगुलेटिंग एक्ट। सो विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैब दैट दैट इज लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कर्जन? क्या होगा बच्चों आंसर? कम ऑन, जल्दी से बताओ बच्चों, एनीवन जल्दी से आंसर बताइए। मैम डर लग रहा है, किस बात का डर लग रहा है वैसे, किस बात का डर लग रहा है? अब डरना क्या, पेपर ही तो है, थोड़ी ना उसमें से कोई ड्रैकुला निकल के तुम्हें मारेगा, ड्रैकुला निकल के थोड़ी ना मारेगा। सो बच्चों, द करेक्ट आंसर इज इट्स टू, दैट इज लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, जिसने भी बी आंसर करा था, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ध्यान से देखते बच्चों, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड एट द टाइम ऑफ? हेलो जया, कैसी हो? सो इट्स लॉर्ड मायो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड ऑकलैंड, सर जॉन नैपियर, विच वन इज द करेक्ट आंसर? कम ऑन, डर लग रहा है कि कहीं रैंकिंग वन ना आ जाए। ओ, इतनी कॉन्फिडेंस, ये आती कहाँ से है दुर्वेश, ये आती कहाँ से है बताना जरा। ओके, प्रियंका ने कहा है लॉर्ड मायो, प्रियंका का आंसर क्या सही है? सो लॉर्ड मायो इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड प्रियंका, बहुत बढ़िया। सो द बरदोली सत्याग्रह वॉज लेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर? द बरदोली सत्याग्रह वॉज लेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर? आर सी दत्त, मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू? क्या होगा आंसर बच्चों? कम ऑन, आंसर मी। देखो, थोड़ा सेशन को तो आज शेयर करना बनता है। राइट, आज सेशन को ना शेयर करना बनता है, एटलीस्ट कम से कम तो 50 तो पहुंचना चाहिए, है ना बच्चों, 50 तो पहुंचना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सरदार पटेल, वेरी गुड। बरदोली सत्याग्रह जो स्टार्ट किया गया था वो सरदार पटेल के द्वारा स्टार्ट किया गया था, सी इज द करेक्ट वन, वेरी गुड। मीनाक्षी, क्या बात है, फ्रेंड्स सी सभी बोल रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सरदार पटेल। सो ऑल इंडिया किसान सभा जो इस्टेब्लिश हुई है कौन सी ईयर में? 1930, 33, 36 और 40, विच वन इज द करेक्ट आंसर? कम ऑन, आंसर करिए बच्चों, क्या होगा? जल्दी से आंसर करो एनीवन, जल्दी से। ओके, ऑल इंडिया किसान सभा वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर
विच वन? 19, 30, 33, 36, 40, विच वन इज द करेक्ट आंसर? बच्चों जल्दी से आंसर करिए, एनीवन कोई आंसर करेगा? कोई आंसर करेगा? नॉट श्योर, दिस इज सेइंग 19, 33, नो इट्स 36 बच्चों। हेलो हेलो मीनाक्षी, सो 1936 इज द करेक्ट आंसर। डायट्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द एक्ट ऑफ विच वन? इट्स 1909, इट्स 1919, 1923, 1931, विच वन इज द करेक्ट आंसर? बच्चों जल्दी से आंसर बता दो, क्या होगा? आपको क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए? शुभांगी ने कहा है बी, ओके आप लोगों ने कहा है डी, ये समझ नहीं आया। सो आंसर इज इट्स 1919। हेलो सोमली, कैसी हो? बहुत दिनों बाद ना सोमली। सो द करेक्ट आंसर इज बच्चों 1919। ओके सो हु पुट फॉरवर्ड द आइडिया दैट ब्रिटेन वॉज विनिंग एंड ब्लीडिंग इंडिया? जी वी जोशी, एम जी रनाडे, जी के गोखले और दादा भाई नरोजी? क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर? बच्चों आंसर करो, आंसर एनीवन, जो आंसर करेगा मुझे जल्दी से बताइए। इट्स बी, इट्स ए, इट्स सी, इट्स डी, क्या होगा? आपको क्या लगता है? डी श्योर, जल्दी से बता दो। तो ध्यान से देखना बच्चों आंसर क्या होगा। आंसर है डी, वेरी गुड, इट्स दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी का आप निकनेम बताओगे? दादा भाई नरोजी का निकनेम बताएगा कोई? जल्दी से बताओ बच्चों, दादा भाई नरोजी को क्या बोलते थे? इट्स ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके सो द करेक्ट आंसर इज इट्स डी बच्चों, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली? जल्दी से बताओ, ग्रैंड ओल्ड मैन या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन? सही आंसर लिखो बच्चों, इट्स सी। सोच लो बच्चों, इट्स ए, इट्स बी, इट्स सी, इट्स डी। सी, लॉर्ड हार्डिंग इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड बच्चों। सो ध्यान से देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइमन कमीशन दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ब्रिटिश? उनका एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्या था, मोटो क्या था? प्रोब जलियांवाला बाग मैसेकरे, और इट्स प्रोब इनटू चौरी चौरा इंसिडेंट, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, और बोथ वन एंड टू, क्या होगा बच्चों? इट्स आंसर करो जल्दी से। ग्रैंड मैन, ओके सी, दिस इज सेइंग ए। इतने डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स क्यों आ रहे हैं, इतने डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स क्यों आ रहे हैं? चलो अगर प्रियंका ने कहा है तो सी इज द करेक्ट आंसर। वाह, मैं प्रियंका के अकॉर्डिंग चल रही, क्या बात है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अंडर द टेन्योर ऑफ द विच वाइसराय ऑफ इंडिया आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड 1925 बाय केशव बालीराम हेगड़े वॉर, विच सॉरी हेज हेज वॉर? इट्स हेड, इट्स हेज वॉर ना? हाँ नहीं, आई थिंक हेगड़े वॉर होगा उनका नाम पूरा, केशव बालीराम हेगड़े वॉर जो भी है उनका नाम। सो सी, ओके कथा इज सेइंग सी, नो इट्स लॉर्ड रीडिंग ना, कथा इट्स लॉर्ड रीडिंग ना, लॉर्ड रीडिंग ना, डी फोर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द संथाल्स यूज टू कॉल द आउटसाइडर बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? इट्स चेंचस, इट्स कयाली, इट्स दीपू, इट्स दामिन, विच वन इज द करेक्ट आंसर? इट्स चेंचस, इट्स कयाली, इट्स दीपू, इट्स दामिन, क्या होगा बच्चों आंसर? ये पढ़ा नहीं था, कोई बात नहीं। संथाल जो आउटसाइडर को बुलाते थे वो क्या बुलाते थे? यूज टू कॉल द आउटसाइडर बाई चेंचस, कयाली, दीपू, दामिन। सो द करेक्ट आंसर इज बच्चों इट्स सी, दैट इज दीपू, दीपू। अच्छा डाकू याद कर लो, डाकू से याद रह जाएगा दीपू, राइट? डाकू से दीपू याद हो जाएगा। सो हुआ अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द नामधारी मूवमेंट? नामधारी मूवमेंट किसके द्वारा फाउंड किया गया था? इट्स बाबा दयाल सिंह, बाबा राम सिंह, महमूद हसन, जगत मित्रा, विच वन इज द करेक्ट आंसर? बाबा दयाल सिंह, बाबा राम सिंह, महमूद हसन, जगत मित्रा, क्या होगा बच्चों? प्रिंस, शुभांगी, प्रियंका, स्नेहल, कथा, मीनाक्षी, कम ऑन आंसर करिए। ओके बी इज द करेक्ट आंसर, बी श्योर? ओके सो द करेक्ट आंसर इज बाबा राम सिंह। निरंकारी मूवमेंट किसने फाउंड करा था? बाबा राम सिंह, महमूद हसन, जगत मित्रा, बेबी दयाल दास, विच वन इज द करेक्ट आंसर? एंड 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 द करेक्ट आंसर इज, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज, व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? बाबा राम सिंह, महमूद हसन,
इज द आंसर बच्चों? व्हाट इज द आंसर? कम ऑन आंसर मी, क्या होगा आंसर बच्चों? हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द निरंकारी मूवमेंट? निरंकारी मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया है बच्चों, वो किसने किया है? बाबा दयाल सिंह, बाबा दयाल दास, सॉरी इट्स बाबा दयाल दास। निरंकारी मूवमेंट बाबा दयाल दास के, अब देखो निरंकारी मतलब जिसका कोई आकार ना हो। और मुझे एक बात बताओ, हर एक बाबा बताते हैं ना कि भगवान का कोई शेप नहीं होता, तो निरंकारी मूवमेंट से बाबा दयाल दास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिशेस द मुक्ति मिशन इन पुणे? जो पुणे में मुक्ति मिशन स्टार्ट की गई थी उनके, वो किसने एस्टैब्लिश करा था? पंडिता रामाबाई ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, सावित्री बाई फूले ने, ज्योतिबाई फूले ने? विच वन इज द करेक्ट आंसर? प्रिंस ऋतिकेश। सेशन को शेयर कर दो बच्चों, थोड़ा 50-50, 50-60 पहुंचा दो, है ना? सो क्या होगा आंसर बच्चों? इट्स पंडिता रामाबाई, इट्स स्वामी दयानंद सरस्वती, सावित्री बाई फूले और ज्योतिबाई फूले। सो डी इज द करेक्ट आंसर? नो, इट्स ए, दैट इज पंडिता रामाबाई इज द करेक्ट वन। जिसने भी करेक्ट, मुक्ति मिशन पुणे का तुम लोग डी क्यों कर रहे हो ज्योतिबा फूले? कम ऑन आंसर मी, मुक्ति मिशन इन पुणे, एनीवन? सब के सब पंडिता रामाबाई होगा ना। हेलो तितली, कैसी हो? ओके, पंडिता रामाबाई इज द करेक्ट आंसर बच्चों। हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज लोकाहितवाड़ी? लोकाहितवाड़ी, राइट? हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज लोकाहितवाड़ी? क्या बोल रहे हो? कथा सी होगा? मैं इस बात पे श्योर हूँ कि पंडिता रामाबाई होगा, पंडिता रामाबाई होगा। सो लोकाहितवाड़ी इज पॉपुलरली नोन एज गोपाल, गोपाल हरि देशमुख, राइट? विच वन? गोपाल, ओके, देशमुख। हाँ, इसका तो देशमुख होगा ना, जी देशमुख, जी हरि देशमुख। यस, इसका तो वही होगा, सी। हु वॉज द फर्स्ट टू टर्म द ग्रेट म्यूटिनी ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? क्या होगा बच्चों? कम ऑन आंसर करो एक बारी, जल्दी से बताइए, एनीवन, एनीवन? अच्छा, आज 8:15 में आना, बताना है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ डिस्कशन करेंगे बच्चों, ठीक है? और पेपर में क्या क्या गलतियां मत करना, ये सब भी, ठीक है? ओके, इट्स द करेक्ट आंसर इज वीडी सवारकर। आई थिंक वीडी सवारकर किसी ने आंसर नहीं करा था बच्चों। सो इन विच ईयर एनी बेसेंट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? एनी बेसेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? कौन सी ईयर में? 12 में, 17 में, 20 में, 21 में? ओके, सोमली सिंह बी। ओके, सो बच्चों अभी से बोल देती हूँ सभी को ऑल द बेस्ट कल के लिए, बहुत सारे बच्चों का पेपर है, इसीलिए मैंने सेशन को 11 PM से शिफ्ट कर दिया है 8:15 को। तो आप एक बार ही देख लेना, 8:15 में जरूर आना, जरूर मतलब जरूर, ठीक है? 8:15 में जरूर आना, 8:15 में बहुत सारी बातें डिस्कशन करेंगे, ठीक है? और कुछ अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना होगा तो कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़ो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? सो द करेक्ट आंसर इज इट्स 1917, राइट? 1917 इज द करेक्ट आंसर बच्चों, बी इज द करेक्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पॉलिसी थी अनाउंसमेंट बाय प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वॉज एम्बेडेड इन? ये कब एम्बेड किया गया था? मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, मोतीलाल नेहरू के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, हार्टॉग कमिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और कैबिनेट मिशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? विच वन इज द करेक्ट आंसर? स्नेहल, दुर्वेश, प्रियंका, कथा, सौमिली, शुभांगी, एनीवन बच्चों? सभी आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर? आंसर सी होगा, आंसर डी होगा, आंसर ए होगा, क्या होगा? एक बार ये आंसर कंफर्म कर देना बच्चों, सी होगा। देखो हम लोग बहुत फास्ट फास्ट कर रहे हैं। ओके, बी होगा। सो द करेक्ट आंसर इज मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिपोर्ट होगा, द करेक्ट आंसर इज इट्स ए होगा, ए। सो द आंसर देखना बच्चों, कौन से एक्ट के तहत जो इंडियन सिविल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट का जो प्रोविजन था कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के थ्रू होगा, वो कौन से एक्ट में मेंशन है? मतलब कौन से एक्ट में ये इसका जिक्र है? चार्टर एक्ट ऑफ 1813, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1833? देखो ये इसमें तो सभी को कंफ्यूजन होता है, मुझे पता है, जल्दी से बताओ आंसर बच्चों, कमॉन कमॉन आंसर, इट्स सी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज इट्स बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1800,
राइट। सो प्रॉलेट एक्ट जो कि ऑथराइज किया गया था गवर्नमेंट टू डिटेन पीपल विदाउट ट्रायल फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड वाज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड चिटफॉन इरविन। अब रोलेट एक्ट के तहत, रोलेट एक्ट में कौन थे बच्चों? रोलेट एक्ट के दरमियान आई थिंक लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे या लॉर्ड इरविन थे या लॉर्ड हार्डिंग रीडिंग थे, क्या थे बच्चों? जल्दी से कम ऑन आंसर करिए, एक बारी कंफर्म करो बच्चों, बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से। देखो मैं आपको एक और बात बोलूंगी कि सेशन को जरूर लाइक कर देना, है ना, सेशन को लाइक करना भूलना नहीं बच्चों, सभी को जरूरी है लाइक करना। तो ये होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिन्होंने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इंडिया को फाउंड करा है, मतलब स्थापना करी है उसकी, पीडब्ल्यूडी की? लॉर्ड एलन बोरक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड हार्डिंग। तो द करेक्ट आंसर होगा क्या होगा बच्चों? लॉर्ड एलन बोरक, लॉर्ड ऑकलैंड। देखो लाइक और शेयर जरूर करना सेशन को, जरूर। देखो इतने बच्चे लाइव है, एटलीस्ट कम से कम सभी अगर लाइक करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा ना बच्चों। 33, 33, 33, 33 क्या होता है स्नेहल? सो द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड डलहौजी, यस इट इज सी, क्या बात है। सो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिन्होंने स्लेवरी अबॉलिश करा था इंडिया से, लॉर्ड एलन बोरक, सर चार्ल्स लॉर्ड मेटकाल्फ और लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एमहर्स्ट, विच वन इज द करेक्ट आंसर? देखो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग ये सारे क्वेश्चन को गलती नहीं कर सकते हो। सो एनीवन द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड एलन बोरक। उन्होंने देखो आपको पता होना चाहिए कि जो लॉर्ड एलन बोरक थे उन्होंने गुलामी को समाप्त कर दिया था, राइट, गुलामी को समाप्त कर दिया गया था। सो हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल व्हेन बॉम्बे वाज डिजिग्नेटेड एज प्रेसिडेंसी? ठीक है, जब बॉम्बे को ब्रिटिश गवर्नर जनरल उस समय कौन थे जब बॉम्बे को प्रेसिडेंसी के रूप में डेजिग्नेट किया गया था? कम ऑन, लॉर्ड हास्टिंग, एमहर्स्ट, बेंटिक, ऑकलैंड। देखो कहीं ना कहीं इट्स ए, वेरी गुड, इट्स ए, वेरी गुड बच्चों, इट्स ए, द करेक्ट आंसर इज ए। इंग्लिश वाज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द रीन ऑफ विच गवर्नर जनरल? इंडिया सॉरी इंग्लिश जो है बच्चों, ध्यान से देखना, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था कौन से गवर्नर जनरल के पीरियड में? कम ऑन जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों। हेलो हेलो मोहम्मद अब्बास। ए ओके, सो द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द करेक्ट। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुआ था वो कौन से ईयर हुआ था बच्चों? बच्चों वन इज द करेक्ट आंसर 1928, 29, 30, 31, बच्चों वन इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर कर दो बच्चों, जल्दी से। कथा शुभांगी, तिथि, दुबे, सोमली, मीनाक्षी, मोहम्मद, स्नेहल, प्रियंका। ओके सो द करेक्ट आंसर इज 1930, वेरी गुड, इट्स 1930 इज द करेक्ट आंसर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फ्लैग सत्याग्रह सक्सेसफुली लेड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल? ठीक है, फ्लैग सत्याग्रह जो था वो सक्सेसफुली सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लहराया गया पूना, नागपुर, बरदोली, बॉम्बे, विच वन इज द करेक्ट आंसर? ओके 1930 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ओके अब इसका आंसर कर दे, पूना, नागपुर, बरदोली। ओके सो द करेक्ट आंसर इज नागपुर, नागपुर इज द करेक्ट आंसर बच्चों। नागपुर में सत्याग्रह का फ्लैग सक्सेसफुली होस्ट किया गया था, मतलब लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो मोरंग द प्लेस एट विच इंडियन नेशनल आर्मी होस्टेड द नेशनल फ्लैग ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू इज लोकेटेड इन? मोरंग, मोरंग तितली का था, स्नेहल दुर्वेश, शुभांगी, मीनाक्षी, एम्बियंट म्यूजिका एंड सोमली एंड स्नेहल और मोहम्मद, जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हो बता दो बच्चों। सो इसका करेक्ट आंसर इज वो मणिपुर में है बच्चों, मोयरांग इज इन मणिपुर। ठीक है, मनी मनी और रंग रंग, ठीक है। ओके इट्स डी, नो इट्स नॉट बी, इट्स डी, राइट। सो स्टुटगार्ट द प्लेस एट विच मैडम भिखाजी कामा अनफोल्ड द इंडियन फ्लैग इज लोकेटेड इन? क्या होगा बच्चों जल्दी से बता दो, एनी वन क्या होगा आंसर जल्दी से बताइए बच्चों, विच वन इज द करेक्ट वन? कम ऑन आंसर मी, आंसर मी, आंसर मी, जल्दी से आंसर करो बच्चों। सी ओके, सी द करेक्ट आंसर इज जर्मनी, वेरी वेरी गुड, इट्स सी, वेरी गुड सामली। तो ध्यान से देखना बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरियड आउट द सोल्ट सत्याग्रह एट बेद बेदा रण्यम इन तमिलनाडु?
विच हु ऑफ द फॉलोइंग कैरेड आउट द सॉल्ट सत्याग्रह एट वेदारण्यम इन तमिलनाडु। सो क्या होगा आंसर बच्चों? डॉक्टर राधाकृष्णन, श्री राजा गोपालचारी, पी सीता सीतारमैया एंड इट्स मौलाना आजाद। सी ओके, सो नो, इट्स सी राजा गोपालचारी, इट्स बी इज द करेक्ट आंसर। सॉल्ट सत्याग्रह एट वेदारण्यम इन तमिलनाडु, बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ लाहौर? कौन सा इंसिडेंट लाहौर से रिलेटेड नहीं है? लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, पासिंग ऑफ जतिन दास, और एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, और पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन। क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर? एनी वन जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ बच्चों। और कोई? और कोई? सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है? आप मुझे बताओ कि लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट कहाँ से हुआ था बच्चों? लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, एनीवन? कोई तो बता दो, लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट कहाँ से हुआ था? अगर ये रिलेटेड नहीं है लाहौर से तो ये कहाँ से रिलेटेड है? ये बॉम्बे से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है बच्चों? ये बॉम्बे से रिलेटेड है। वेरी गुड मैम, ऑल योर जीके क्वेश्चन इज ऑन फॉर इज एनफ फॉर एग्जामिनेशन। हाँ ऑब्वियसली, लेकिन मैंने बहुत सारे करवाए, मैंने स्पेशल क्लासेस में भी बहुत सारे करवाए, मैंने यूट्यूब में भी बहुत सारे करवाए हैं, तो अगर तुमने सब करे होंगे तो यस इट इज एनफ। और बच्चों आपको एक पता होना चाहिए कि 8:15 में स्पेशल क्लासेस है, आज 11 बजे स्पेशल क्लासेस नहीं है, ठीक है? 8:15 में आज स्पेशल क्लासेस है, तो 11 बजे इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मॉर्निंग में भी आपकी क्लासेस है, राइट? मॉर्निंग में भी आपकी क्लासेस, मतलब मॉर्निंग में आपका पेपर है, राइट? तो आप तो आओगे नहीं रात में, इसीलिए मैंने उसे 8:15 कर। तो ग्वालिया टैंक मैदान एट विच अरुणा अशरफ अली होस्टेड द इंडियन ट्राइकलर इज लोकेटेड इन? पोर्ट ब्लेयर, बॉम्बे, लाहौर और चिटागोंग। क्या होगा बच्चों आंसर? फर्स्ट स्लॉट में एग्जाम। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। देखो दो दो स्लॉट में पेपर है, 9 to 11, दो स्लॉट में पेपर है। बहुत सारे बच्चों का सेकेंड हाफ में भी पढ़ा है, मेरे को लिंक भेज देना। ओके आयुषी, मैं भेज दूंगी। सो द करेक्ट आंसर इज इट बी, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। सत्याग्रह एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज नॉट वॉज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश? चंपारण, बरदौली, वाइकॉम, खेड़ा। क्या होगा आंसर बच्चों? कम ऑन आंसर में, मोहम्मद, स्नेहल, एम्बियन, म्यूजिका, कम ऑन आंसर करिए बच्चों। क्या होगा? 3 और 4। ओके वाइकॉम और खेड़ा। ओके वाइकॉम इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, एम्बियन, म्यूजिका, ऐसे करना है आंसर। 3 और 4 सच में? चलो कोई बात नहीं। सो अरेंज करते हैं बच्चों, फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल एज दे अकर्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। चंपारण सत्याग्रह, डांडी मार्च, नागपुर फ्लैग सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। आपको अरेंज करना है जैसे जैसे जो जो इंसिडेंट हुई है, राइट? सबसे पहले क्या हुआ है जल्दी से बताओ। सी, अच्छा आंसर देख लिया तुम लोगों ने। अच्छा, चलो अगर आंसर देख लिया तो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर करते जाना। मुझे बताओ कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ है? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ है जल्दी से बताओ? क्या ये मैं बोलूँ 1918 में हुआ है? क्या ये मैं बोलूँ कि 1918 में हुआ है? अब इसके साथ साथ मुझे ये भी बताओगे कि नागपुर फ्लैग सत्याग्रह कब हुआ है? नागपुर फ्लैग सत्याग्रह कब हुआ है बच्चों? जल्दी से बताइए। एनीवन? क्या 1923 में हुआ है? 1920 तुक्का मान लेंगे मैम। नहीं, अच्छा तुक्का मान लोगे, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 1923 में हुआ है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ दांडी मार्च कब हुआ है? दांडी मार्च कब हुआ है बच्चों? जल्दी से बताओ दांडी मार्च। एनीवन जल्दी से बता दो दांडी मार्च का डेट। 1930 में हुआ है। ओके अब आप मुझे चंपारण सत्याग्रह के बारे में बता दो बच्चों। चंपारण सत्याग्रह, एनीवन? कोई भी, कोई भी, जल्दी से। इट्स 19। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है बच्चों? सो द करेक्ट आंसर इज ए डी सी बी, राइट?
देखो ये 1917 में हुआ है बच्चों, ये क्या हुआ है 1917 में हुआ है, डी वाला भी 1917 में हुआ है, लेकिन जो ये 1917 में हुआ है ये अप्रैल में हुआ है, और ये शायद जितना मुझे पता है कि खेड़ा जो हुआ है वो अगस्त में हुआ है, ठीक है एक बार चेक कर लेना। और उसके बाद बच्चों आपका नागपुर फ्लैग हाँ 1920 के पहले, तो उसके बाद आपका ये दांडी मार्च 1930 में हुआ है, और नागपुर फ्लैग सत्याग्रह 1923 में हुआ है, ठीक है याद रखना। सो आगा खान पैलेस वेयर महात्मा गांधी वॉज इम्प्रिजन एंड वेयर कस्तूरबा गांधी ब्रेटेड हर लास्ट इज लोकेटेड इन। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। इट्स नागपुर, इट्स नागपुर, लाहौर, पुणे, हैदराबाद। ओके सो द करेक्ट आंसर इज इट्स पुणे बच्चों, पुणे इज द करेक्ट आंसर राइट। पुणे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा है ना, वेरी गुड बच्चों क्या बात है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द प्लेस टेकन एट द सेशन ऑफ कांग्रेस टू सेलिब्रेट January 26 एज एन इंडिपेंडेंस, एज एन इंडिपेंडेंस, कम ऑन आंसर मी, इट्स लाहौर, कलकत्ता। बच्चों इतनी की कमी, इतने बच्चे कहाँ चले जाते हैं ना आजकल, इतने बच्चे। ओके सो ध्यान से देखिएगा बच्चों, विच वन इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज से लाहौर इज द करेक्ट वन राइट, लाहौर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मपीला रिबेलियन जो कि एसोसिएटेड है किस स्टेट से बच्चों, मपीला रिबेलियन, दुर्विश तितली, आयुषी विशु, सोमली शुभांगी एम्बियंट, स्नेहल प्रियंका, कम ऑन विच वन इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज केरला। मपीला कहाँ से रिलेटेड है, केरला से रिलेटेड है बच्चों, गॉट इट, होप तो आपको क्लियर होगा, सभी को क्लियर होगा है ना। ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द यंग बंगाल मूवमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द यंग बंगाल मूवमेंट है ना, सी इट्स नेटिव मैरिज एक्ट। ओके व्हाट इज मपीला, मपीला जो था मपीला रिबेलियन है ना, मपीला इज अ टाइप, इज अ काइंड ऑफ रिबेलियन मपीला। और आप लोगों ने अगर मपीला का नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक्चुअली मपीला नाम से एक रिवॉल्ट था, ठीक है मपीला रिवॉल्ट हुआ था 1921 में, कब हुआ था बच्चों 1921 में, आपने मपीला का नाम सुना होगा, मालाबार रिबेलियन सुना है किसी ने, मालाबार रिबेलियन सुना है एनीवन, इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट जो मालाबार रीजन में थी और उससे रेजिस्टेंस के लिए ये वाला जो मूवमेंट था वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है बच्चों, मोपला रिवेलियन भी बोलते हैं ना इसे। ओके वेरी गुड, सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द यंग बंगाल मूवमेंट। मैम मैंने आज ही स्टार्ट किया क्लास का प्रिपरेशन, विच यू हैव यू टेकन द सब्सक्रिप्शन, क्या आपने सब्सक्रिप्शन लिया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द यंग बंगाल मूवमेंट, विच वन इज द करेक्ट आंसर, तो आप इसका आंसर करो जल्दी से, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने बोला विशु को क्या आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो उसने कुछ आंसर नहीं करा, चलो कोई बात नहीं, आप इसका आंसर करो बच्चों, तब तक मैं एक काम करती हूँ, तब तक मैं कुछ आपको बता देती हूँ, ठीक है जस्ट वेट जस्ट वेट। ओके सो ध्यान से देखना बच्चों, ऑल इंडिया क्लैट फ्री स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट हो रहा है, आप अगर इसको देते हो तो आपको करीब 1.25 करोड़ तक, मतलब इसमें फ्री स्कॉलरशिप है बच्चों, एंड April 23 को हो रहा है, 2 PM पे इनरोल कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों आप देख सकते हो, इनरोल कर सकते हो, PLIV यूज कर सकते हो राइट, PLIV यूज कर सकते हो है ना। इसके अलावा आप देख सकते हो कि एक स्टार्टर बैच स्टार्ट होने, मतलब एग्जैक्टली ये स्पेशल क्लासेस है जिसमें अगर आपको आपको क्लास
2024 का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है बाय आवर अनअकैडमी टॉप एडुकेटर, दीज आर द एडुकेटर जो आपको गाइड करेंगे. आप इनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो रिलेटेड टू योर कैरियर काउंसलिंग सेशन और रिलेटेड टू योर पेपर और सब्जेक्ट. सारे टीचर्स आपको गाइड करेंगे. सो इनरोल कर सकते हो, यूज द रेफरल कोड ऑफ माइंड दैट इज पी ए लाइव. ओके सो नेक्स्ट बच्चों ध्यान से देखिएगा. क्लैट एंड अदर 5 ईयर LLB एग्जाम का मॉक टेस्ट कैलेंडर ऑब्वियसली हमने आपको दिखाया है और आपने यहाँ तक जरूर से जरूर एग्जैक्टली अटेंड करा होगा. तो 23 और 30 को बचा हुआ है, आप जरूर. हाउ मच फॉर सब्सक्रिप्शन बता रही हूँ विशु. सो ध्यान से देखिएगा बच्चों, एज लीगल बिगिनर बैच फॉर क्लास 2025 लैंग्वेज इन इंग्लिश एंड एक्सेस कर सकते हो 50 लाइव मॉक टेस्ट, 100 आवर्स ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस मंथली, सी एन जी के कॉम्बिनेशन में एनरोल कर सकते हो बच्चों. दीज आर द एजुकेटर हु आर गोइंग टू गाइड यू. अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है जो कि ज्यादा नहीं 13 से स्टार्ट हुई है, प्रॉपर बैच फॉर क्लास 2024 एक्सपीरियंस एंड दीज आर द एजुकेटर हु आर गोइंग टू गाइड यू. सो यूज द रेफरल कोड ऑफ माइंड दैट इज पी ए लाइव. जो भी सब्सक्रिप्शन बच्चों आप एक बार चेक कर सकते हो. आप एक काम करो, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप चेक करो और उसमें हैव यू रेफरल कोड पूछेगा तो आप पी एल आई यूज कर लेना, 10% ऑफ हो जाएगा. उसके बाद आपको प्राइस दिख जाएगा कि कितने का आ रहा है सब्सक्रिप्शन बच्चों. ठीक है चलिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम. कम ऑन आंसर मी. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम बच्चों जल्दी से बताओ. आप डाउनलोड कर लो, समझ में आ जाएगा. और देखो एक्चुअली प्लस प्लस पढ़ने का रीजन भी ये है कि उसमें आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा या एक या जितने भी कोर्स लाइव होंगे आप उसको अटेंड कर सकते हो. स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको टाइमिंग सबकी पता होगी, एक पर्टिकुलर टाइम में होगा बच्चों. सो द करेक्ट आंसर इज कजाकिस्तान हु क्रिएटेड हॉटमेल. हॉटमेल किसने क्रिएट करा था बच्चों, हॉटमेल किसने क्रिएट करा था जल्दी से बताओ. हॉटमेल किसने क्रिएट करा है, एनीवन? सो सबीर सबीर भाटिया इज द करेक्ट आंसर बच्चों. सबीर भाटिया इज द करेक्ट आंसर. अच्छा इसका आंसर तो मैंने आपको बताया ही नहीं था ना. इसका आंसर तो हम लोगों ने, मैम पिछले वाले का आंसर बता दो. हाँ मैं बता रही हूँ, वही यंग बंगाल मूवमेंट किससे एसोसिएटेड है. सो द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज इट्स डेरोजियंस. राइट, डेरोजियंस इज द करेक्ट आंसर बच्चों. ठीक है क्लियर है सभी को डेरोजियंस. मैम पिछले वाले का तो आंसर हॉटमेल क्या होता है विशु, हॉटमेल क्या होता है, हॉटमेल पता नहीं है तुम्हें? चलो सो आत्मिया सभा के फाउंडर कौन है बच्चों, आत्मिया सभा के फाउंडर कौन है, एनीवन जल्दी से बताइए. आपने हॉटमेल में आपने आउटलुक का नाम सुना है, आपने आउटलुक का नाम सुना है, जल्दी से बताओ. वेबमेल सर्विस होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रोडक्ट फैमिली का ये एक पार्ट है. ओके सो आत्मरंग पांडुरंग द करेक्ट आंसर इज राजा राम मोहन रॉय. मतलब आत्मिया सभा बोला था मैंने, आत्मिया सभा के जो फाउंडर है वो राजा राम मोहन रॉय है बच्चों. फर्स्ट मैन टू एडवोकेट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और स्वामी एच पी ब्लावत्स्काई. एनीवेज़ व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, एच पी ब्लावत्स्काई और एनीवेज़. सो द करेक्ट आंसर इज इट्स ए, वेरी गुड बच्चों, इट्स ए इज द करेक्ट आंसर. हु वाज द फाउंडर ऑफ सेवा सदन इन 1885 टू अपोज चाइल्ड मैरिज एंड कंपल्सरी विडोहुड. आंसर करिए बच्चों. सो द करेक्ट आंसर इज इट्स बहरामी एम मालाबारी. राइट, बहरामी एम मालाबारी इज द करेक्ट आंसर बच्चों. सो हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी इज एसोसिएटेड विद तहजीब अली अखलाक. विच वन इज द करेक्ट आंसर, कम ऑन आंसर करिए बच्चों, विच वन इज द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज सी सर सैयद अहमद खान.
सर सैयद अहमद खान इज द करेक्ट आंसर, वो तो आपको विजिबल होगा राइट। सो ध्यान से देखना, हु इन्फ्लुएंस महादेव गोविंद रनारे टू एस्टैब्लिश प्रार्थना समाज इन बॉम्बे, क्या होगा बच्चों जल्दी से बताइए। एनीवन? सी ओके एनीवन, और कोई और कोई? सो ध्यान से देखना बच्चों, केशव चंद्र सेन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? केशव चंद्र सेन इज द करेक्ट आंसर। सो रहनुमाई मजदियासन सभा, ये किससे एसोसिएटेड है बच्चों? ये सिखों से एसोसिएटेड है, पारसी से है, सिंधी से है, मुस्लिम से है, किससे एसोसिएटेड है? विच वन इज द करेक्ट आंसर, कम ऑन। सो द करेक्ट आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट वन, दैट इज पारसी, ठीक है? सो थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने फाउंड करा है? थियोसॉफिकल सोसाइटी इन द यूएसए, इन द यूएसए, कम ऑन। सो द करेक्ट आंसर इज इट्स मैडम वलावत्साई, नो इट्स सी ना, सी सी इज द करेक्ट वन। सो हु वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? सो विच वन इज द करेक्ट आंसर, कम ऑन। इट्स रामकृष्ण परमहंस, इट्स स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। सो द करेक्ट आंसर इज सी, वेरी गुड बच्चे, स्वामी विवेकानंद। कूका मूवमेंट किस स्टेट से रिलेटेड है? आसाम से, बंगाल से, पंजाब से, महाराष्ट्र से? कूका मूवमेंट किस स्टेट से एसोसिएटेड है? आसाम, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र? ए ओके, कूका मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद पंजाब ना, कूका मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद पंजाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मपीला रिविलियन, मपीला रिविलियन कौन से स्टेट से रिलेटेड है बच्चों? कम ऑन, मपीला रिवेलियन कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? सो द करेक्ट आंसर इज पंजाब। ओके, गोवालिया टैंक मैदान अरुणा अशरफ अली जहाँ पे उन्होंने, अच्छा ये तो हो गया चीता, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, ये मत करो। सो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन कौन थे? विच पुट अप अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडिंग फुल डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया? मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नरोजी, लाला लाजपत राय, राजा गोपालाचारी? विच वन इज द करेक्ट आंसर, जल्दी से बताओ बच्चों। एनीवन, क्या होगा आंसर? कम ऑन कम ऑन। सो कम ऑन, विच वन इज द करेक्ट वन? सो द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज इट्स मोतीलाल नेहरू, राइट? सो मोतीलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? विच वन इज द करेक्ट आंसर? मोतीलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों? हु वॉज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल? सी राजा गोपालाचारी, जेएल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, बी आर अम्बेडकर? कौन थे, कौन, क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताओ। सो ए ओके, सी राजा गोपालचारी, वेरी गुड बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड इरविन का जो टेन्योर था वो कौन से मूवमेंट के दौरान था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह? विच वन इज द करेक्ट आंसर? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज इट सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, राइट? सो सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड बच्चों। ओके, सो जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट।
ओके तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, मुझे बताओ फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जो इंडिया विजिट किए थे, फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जिन्होंने इंडिया विजिट करा था, डी डी एसन होवर, जिमी कार्टर, जॉर्ज वाशिंगटन, रोनाल्ड रीगन, विच वन इज द करेक्ट आंसर? कम ऑन आंसर करिए बच्चों, एक बारी जल्दी से आंसर करो बच्चों, एनीवन। देखो एक रेफरल कोड है, इफ यू वांट टू प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 2024, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हो बच्चों पी एल आई, राइट? क्या यूज कर सकते हो? पी एल आई यूज कर सकते हो, ठीक है? ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज द करेक्ट आंसर, डी डी एस एन होवर इज द करेक्ट वन, राइट? फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट वॉज हेल्ड इन मॉन्ट्रियल, स्टॉकहोम, लंदन, पेरिस। क्या होगा? शुभांगी, स्नेहल, प्रियंका, विशु? कम ऑन आंसर करिए। ओके सो द करेक्ट आंसर इज स्टॉकहोम। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इंडिया का था बच्चों, वो किससे रिलेटेड, कहाँ लोकेटेड है? ओके इट्स बैंगलोर, नो इट्स लखनऊ। सो लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। लेबर थ्योरी प्रॉपर्टी किसने एडवोकेट करा था? लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी किसने एडवोकेट करा था? अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताना कि यहाँ पे जितने बच्चे एमएससीईटी को दे रहे हैं, क्या सभी को ऑनलाइन वाला पेपर का प्रैक्टिस है ना? सभी ने दिया है ना वो पहले भी? मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपने पहली बार देखा होगा ऑनलाइन पेपर। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप एक एक ऑप्शन गलत कर दिए, क्लिक कर दिए और आपको नहीं समझ में आया, तो आप बैक आके इसको डीवी कर सकते हो, है ना? पता है ना सभी को? फाइनल सबमिट करना बिल्कुल मत भूलना, फाइनल सबमिट करना बिल्कुल मत भूलना। रही मैथ्स की बात, समय बहुत रहेगा आपके पास, हम क्वेश्चन जंबल आएंगे सेक्शन वाइज नहीं। ये एक्चुअली डिसाइडेड नहीं होता है कभी, एम्बिएंट म्यूजिक ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि क्वेश्चन कैसे आएगा, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि जंबल ही आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं ना, आपने तो सब करा है, चलो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा माइंड वो इधर उधर करेंगे, लेकिन आप अपना माइंड थोड़ा कॉन्स्टेंट रखना, कोई बात नहीं। एक जीके का कर लेते हैं, एक मैथ्स कर लेते हैं, देखो आपको सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम क्या होगी, थोड़ा मैथ्स हो जाएगा, ठीक है? और अगर बाई द वे जंबल आई, अगर आपको लग रहा है कि आपको सीक्वेंस में करना है, तो आप देखो स्कीप करना स्टार्ट करोगे तो बहुत कहीं ना कहीं बहुत छूट जाएगा, तो आप अकॉर्डिंगली करते जाना ना, तो प्रॉब्लम कम होगी। मैं तो क्लैट वाला हूँ। हाँ विशु, तुम्हारे लिए नहीं है, बाकी सारे बच्चों के लिए। अभी एमएचसीडी का पेपर है ना कल, एमएचसीडी का पेपर है ना कल, तो उसकी तैयारी के लिए मैम क्वेश्चन। ओके क्लियर है? ओके चलो, सो द करेक्ट आंसर इज जॉन लॉकी, जॉन लॉकी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके सो बच्चों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी ये कहाँ पे लोकेटेड है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी ये कहाँ पे लोकेटेड है? सिकंदराबाद, रायबरेली, जोधपुर, दिल्ली? सो द करेक्ट आंसर इज इट बी, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज रायबरेली। 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको लिंक करता है? एंड दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे बस, ठीक है? उसके बाद फिर मिलो मुझे 8:15 में मेरे क्लास में, और किसी को अगर लिंक चाहिए तो मैं यहाँ पे दे दूँ, जस्ट क्लास में मिलेंगे। देखो तो मैं यहाँ पे भी लिंक दे देती हूँ, तब तक आप मुझे बताओ कि 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको लिंक करता है? एनीवन, 3 बीघा कॉरिडोर, जस्ट वेट, 3 बीघा कॉरिडोर लिंक करता है बांग्लादेश और, वेरी गुड, जिसने भी डी बोला है बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों मैंने लिंक दे दिया, देख लेना। सो ट्राई का फुल फॉर्म बताओ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सर
सो द करेक्ट आंसर इज बच्चों इट्स टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो द करेक्ट आंसर इज डी. सो इफ यू वॉन्ट टू टेक सब्सक्रिप्शन यूज द रेफरल कोड ऑफ माइन दैट इज PLI. और अगर आप MSCET का कल पेपर है बच्चों अच्छे से देते हो तो बहुत अच्छी बात. ओके सो थैंक यू सो मच. बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बच्चों. बाय बाय. बाय बाय बाय.